हेलो गाइस, देखिए एक हमारे पास रिजल्ट है कि सेट ऑफ इंटीजर ऑफ रेसिड्यू मॉडुलो एन यानी जीमा एन में नंबर ऑफ मैक्सिमल या प्राइम आइडियल कितना हो सकता है। ठीक है, तो अगर आपको नंबर ऑफ मैक्सिमल और प्राइम आइडियल फाइंड करना है जी एन का, तो आप क्या कीजिए, आप प्राइम फैक्टर्स निकाल लीजिए एन का। ठीक है, तो इसके जो नंबर होंगे यानी नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर फैक्टर्स ऑफ एन, ये जो होगा ना, तो यही आपका क्या कहलाएगा, ये आपका कहलाएगा, ये जो भी नंबर आएगा आपका, यही इक्वल होगा नंबर ऑफ मैक्सिमल और प्राइम आइडियल का। ठीक है, तो आइए मैं आपको जैसे एग्जांपल दिखाता हूँ। सपोज़ कीजिए कि आपको फाइंड करना है, फाइंड नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स, मैक्सिमल आइडियल्स ये आपका प्राइम आइडियल्स, ठीक है, प्राइम आइडियल्स ऑफ G30 का आपको निकालना है, सपोज कीजिए। ठीक है, तो G30 का अगर आप निकालेंगे तो आप कैसे फाइंड करेंगे, तो देखिए आप ऐसे फाइंड कर लीजिए, लेट n इक्वल टू 30। ठीक है, तो इसका प्राइम फैक्टर क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए इसका आप। प्राइम फैक्टराइजेशन आप करेंगे तो कैसे क्लिक करेंगे, 6 5 या 30 यानी 2 × 3 × 5। ठीक है, तो नंबर ऑफ जो प्राइम फैक्टर है वो क्या है, 3 है, नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, ऑफ 30 इक्वल टू क्या है आपका, 3 है, 1 2 3। ठीक है, देयरफॉर आप लिख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल है, मैक्सिमल आइडियल्स, ठीक है, ऑफ G30 ये क्या हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 3। ठीक है, अच्छा, तो इसी तरीके से हम लोग जो है फाइंड कर सकते हैं। आइए कुछ मैं आपको और भी दिखा देता हूँ। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए। ठीक है, सपोज कीजिए मेरे पास G24 है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। ठीक है, तो 24 को आप क्या लिख सकते हैं, 8 3 जा तो 2³ 8 × 3, 8 3 जा 24। तो ये प्राइम फैक्टर है वो क्या है आपका, यहाँ पे दो पीस है, एक 2 है एक 3 है। ठीक है, तो नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, प्राइम फैक्टर्स ऑफ 24 इज इक्वल टू 2, देयरफॉर जो नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल है आपका, नंबर ऑफ मैक्सिमल और प्राइम आइडियल, ठीक है, प्राइम आइडियल्स ऑफ G24 क्या हो जाएगा आपका, इक्वल टू 2। ठीक है, तो इस तरीके से आप आसानी के साथ फाइंड आउट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल देख लेते हैं, जिससे आप देखें G7। ठीक है, तो 7 चूंकि क्या है आपका, प्राइम वैल्यू है। ठीक है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 1 होगा और 7 होगा। ठीक है, तो हमको जो लेना है, जैसे आप देखेंगे कि इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन अगर आप करते हैं तो इसमें खुद 7 ही आ रहा है। ठीक है ना, 2 तो प्राइम है नहीं, 1 × 7 लिखेंगे तो 2 1 आपका प्राइम होता नहीं है, तो सिर्फ 7 ही इसमें है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करेंगे तो आप क्या पाएंगे कि इसमें जो आइडियल है, ठीक है, वो ट्रिवियल आइडियल आपको मिलने वाला है। ठीक है, और इस केस में चूंकि मैक्सिमल आपका 7 वाला हो नहीं सकता, तो ओके, चूंकि हमको उसके अलावा लेना पड़ता है, जैसे आप 24 की बात कर रहे हैं तो 24 में इसके अलावा, ठीक है, होंगे तो वो होंगे आपके 2 मैक्सिमल होंगे या 2 प्राइम होंगे। इसी तरीके से तो यहाँ पे 7 के अलावा 1 यानी ट्रिवियल हो रहा है। ठीक है, तो जो नंबर ऑफ जो आपका मैक्सिमल आइडियल है, मैक्सिमल आइडियल, ठीक है, वो क्या होगा, वो आपका होगा 1, क्योंकि यहाँ पे एक ही फैक्टर है प्राइम फैक्टर, वो क्या है, खुद वही प्राइम जो आपका वैल्यू गिवेन है। ठीक है, 7। तो और ये क्या होता है, ये होता है आपका सिंगलटन 0, आपको पता है, जो कि ट्रिवियली आपका मैक्सिमल आइडियल होता है। ठीक है, ट्रिवियली क्या है आपका, ये मैक्सिमल आइडियल है। ओके, प्राइम वाले केस में तो सिर्फ यही होता है। तो और हम लोग ये पढ़ चुके हैं कि फील्ड के पास सिर्फ एक ही मैक्सिमल आइडियल होता है, वो क्या है आपके पास, 0। ठीक है,
तो चूंकि हमको ये पता है कि G7 मेरा फील्ड है, तो यहाँ से हम लोग क्या बोलेंगे कि G7 इज़ ए फील्ड, ठीक है। तो ये भी आपको पता चला कि अगर सिर्फ एक ही मैक्सिमल आइडियल मिलता है, ठीक है, और वो सिंगलटन जीरो है, तब वो आपका क्या होगा, डेफिनेटली फील्ड होगा। क्लियर है? अच्छा, इसी तरीके से कुछ आप और भी एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे 4 नंबर अगर हम लोग देखें, सपोज़ कीजिए आपको फाइंड आउट करना है, आपको इस तरीके से लिख दें G P²Q, ठीक है, और वेयर क्या है, P एंड Q R प्राइम। इस तरीके से अगर आपको लिख देता है तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि P²Q यानी जो भी यहाँ पे वैल्यू दिया है, ठीक है, जो भी कंपोजिट नंबर है उसका 2 प्राइम फैक्टर है, P और Q। तो चूंकि 2 ही प्राइम फैक्टर है, तो यहाँ से आप कर सकते हैं कि जो नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल होगा, ठीक है, या प्राइम आइडियल होगा, प्राइम आइडियल्स वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे आपके 2, ठीक है, चूंकि सिर्फ 2 ही है, तो यहाँ से आपका डायरेक्ट ऐसे आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से अगर आपको सपोज़ कीजिए आपको फाइंड करना है G900 का ना, तो 900 को आप प्राइम फैक्टर में कैसे लिख सकते हैं, आप लिखेंगे देखिए 9 × 5² = 25 और × 4, ठीक है, यानी 2² तो ये आपका हो गया 900। ओके, तो 3 है, तो यहाँ पे चूंकि 3 प्राइम फैक्टर आ गया है, 3, 5 और 2, तो यहाँ से आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा कि जो नंबर ऑफ मैक्सिमल या प्राइम आइडियल होगा, ठीक है, प्राइम आइडियल्स ये आपके लिए क्या होगा, ये आपका होगा कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3। क्लियर है? ठीक है, तो इस तरीके से आप नंबर ऑफ मैक्सिमल और प्राइम आइडियल आप फाइंड आउट कर सकते हैं। क्लियर है? अच्छा, तो देखिए जितना आप काउंटर करेंगे और जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप में कॉन्फिडेंस आएगा। जैसे मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूँ, ठीक है, इज़ क्या सिंगलटन जीरो ये मैक्सिमल आइडियल होगा, इज़ मैक्सिमल आइडियल ऑफ सेट ऑफ इंटीजर्स जीमा, ये आप बताइए, आप सोचिए इसके बारे में, ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए, आप बिल्कुल सोच पाएंगे क्योंकि बहुत कुछ आपने पढ़ा हुआ है, डेफिनेटली आप सोच लेंगे, आप बिल्कुल बोलेंगे कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा नॉट। क्यों? बिकॉज आप देखेंगे कि सिंगलटन जीरो, ठीक है, ये क्या है, ये डेफिनेटली आपका सबसेट है 2 जीमा का, ठीक है, और 2 जीमा क्या है, वो सबसेट है जीमा का। तो जब ये आप देख रहे हैं कि 2 जीमा और जीमा के बीच में कोई और आइडियल नहीं है, और जीरो क्या है, इसका सबसेट है, तो अगर कोई ऑलरेडी आपको आइडियल मिला हुआ है, ठीक है, क्योंकि हमको पता है कि इन जनरल क्या होता है, NG जो होता है वो क्या होता है, आइडियल होता है, ठीक है, ये NG जितने भी क्या हैं आर आइडियल्स, ठीक है, ये आइडियल्स होते हैं आपके सेट ऑफ रिंग सेट ऑफ इंटीजर्स के, तो 2G भी है आइडियल, इनफैक्ट ये मैक्सिमल आइडियल ही आपको पता है, ठीक है। तो अब आप देखिए कि आइडियल का सबसेट वो कभी भी आइडियल नहीं होता ना, ये हम लोग पढ़े हुए हैं, ठीक है, कि सबसेट सबसेट ऑफ एन आइडियल, कोई भी आइडियल का सबसेट कभी भी मैक्सिमल नहीं हो सकता, ठीक है, नेवर बी मैक्सिमल, ये हमने डेफिनेशन में देखा हुआ है। तो इस तरीके से ये जो जीरो है, ये चूंकि ये 2G का 3G का पूरे NG का सबसेट है, तो ये आपका नहीं हो सकता मैक्सिमल आइडियल। ओके, क्लियर है? अच्छा, अब देखें आप, इस जैसे हम लोगों ने ये तो फाइंड आउट कर लिया, अब आपको अगर कोई कार्टेजियन प्रोडक्ट दिया है तो आप उसका कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। जैसे मैं एक क्वेश्चन आपके लिए बना देता हूँ, यहाँ पे क्वेश्चन है फाइंड मैक्सिमल आइडियल्स, ठीक है, ऑफ किसका मैक्सिमल आइडियल फाइंड करना है आपको, देखिए G3, ठीक है, गाउसियन इंटीजर है, और यहाँ पे रियल नंबर का सेट लिया हुआ है, और साथ में लिया हुआ है G11, ठीक है, ये भी आपका गाउसियन इंटीजर है। इस टाइप से आपका जो है यहाँ पे लिया गया है, ठीक है, डेफिनेटली ये 3 मेरा क्या है, प्राइम है, आप देखते होंगे ना, ये मेरा 3 प्राइम है और 11 भी प्राइम है, और ये है रियल नंबर सेट। तो आपको पता है कि तीनों क्या है यहाँ पे दिया हुआ है, तीनों आपको एक तरह का फील्ड दिया हुआ है, ठीक है, ये भी फील्ड है, ये भी फील्ड है रियल नंबर सेट, और ये भी आपका फील्ड है, ठीक है, तो तीनों यहाँ पे फील्ड है।
तो यहाँ पे कह लीजिए कि कार्टिजन प्रोडक्ट का फील्ड दिया हुआ है। तो कार्टिजन प्रोडक्ट का जो फील्ड है, आपको पता है कि ये फील्ड नहीं बनाता, ठीक है। तो ये जब हम लिक्विड मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कभी भी आपको फील्ड नहीं बनेगा, ठीक है। ये आपको पहले से ये रिजल्ट आपको पता है, हम लोगों ने पीछे थ्योरम में किया हुआ है। डेफिनेटली ये फील्ड नहीं है। इसका मतलब है कि इसके पास जो मैक्सिमल आइडियल होगा वो क्या होगा, वो आपका वनली ट्रिवियल नहीं होगा, नॉन ट्रिवियल भी होगा, ठीक है। अच्छा, तब हम लोग देखेंगे कि नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल क्या क्या हो सकता है। देखिए कैसे निकाल लीजिएगा आप नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स, ठीक है, इक्वल टू क्या हो जाएगा, इक्वल टू इसका नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल इंटू इसका नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल और इसका नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल, ठीक है। तो नंबर ऑफ, ठीक है, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ G3, ठीक है, ये हो जाएगा इंटू नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ रियल इंटू नंबर ऑफ मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ G11, ठीक है। ये हम लोग यहाँ पे देख लेंगे। तब आप देखें कि चूंकि सारा फील्ड है ना, तो फील्ड के पास आपको पता है कि सिर्फ टू ही मैक्सिमल आइडियल होता है ट्रिवियली। एक सिंगलटन जीरो का है कि ये खुद, ठीक है। तो पहले वाले में भी टू, दूसरे वाले में भी टू, तीसरे वाले में भी टू, तो टोटल जो है यहाँ पे देखिए एट एट मैक्सिमल आइडियल आपको मिल रहा है। वो कौन कौन है, ठीक है। तो देखिए एक तो हो जाएगा आपका I1। तो देखिए तरीका ये है कि जो भी होगा इच के लिए वो क्या होगा, आपके पास या तो सिंगलटन जीरो होगा या तो फील्ड होगा, ठीक है। आप लिख देता हूँ मैं फॉर ए फील्ड, एक अगर फील्ड है तो जो मैक्सिमल आइडियल होता है आपका, मैक्सिमल आइडियल इज सिंगलटन जीरो, ठीक है। तो फील्ड के लिए जो मैक्सिमल आइडियल है वो आपका सिंगलटन जीरो होता है, क्लियर है। तो अच्छा यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया, मैक्सिमल आइडियल तो सिर्फ सिंगलटन जीरो ही होता है, तो उसके हिसाब से तो सिर्फ तीन ही होगा ना, इसलिए कि एक फील्ड में सिर्फ एक ही मैक्सिमल आइडियल होता है, वो है क्या, सिंगलटन जीरो। हाँ टोटल जो आइडियल्स हैं वो दो होते हैं, एक तो सिंगलटन जीरो होता है और एक क्या होता है, खुद फील्ड होता है। तो मैं यहाँ पे ऐसे पहले कर लेता हूँ, नंबर ऑफ आइडियल्स निकाल लेता हूँ, ठीक है, नंबर ऑफ आइडियल्स। तो नंबर ऑफ आइडियल्स जो हैं, तो यहाँ पे आप नंबर ऑफ आइडियल कर लीजिएगा, ठीक है, नंबर ऑफ आइडियल्स ऑफ दिस, नंबर ऑफ आइडियल्स ऑफ दिस, नंबर ऑफ आइडियल्स ऑफ दिस। तो एक फील्ड में मैक्सिमम आइडियल सिर्फ जीरो होता है और जो आइडियल्स हैं वो दो होते हैं, ठीक है। फॉर ए फील्ड मैक्सिमम आइडियल इज जीरो एंड, ठीक है, आइडियल्स आइडियल्स आर सिंगलटन जीरो एंड फील्ड एफ, खुद जो आपका फील्ड है वो होता है, ठीक है। तो ये रिजल्ट आप याद रखिएगा, हाँ, कि अगर आप कोई, ये मैंने लिखा हुआ भी था पिछले वीडियो में, आपने देखा होगा। तो ये आपको पहले याद रखना है कि फील्ड अगर आपका है तो मैक्सिमल आइडियल सिर्फ उसमें सिंगलटन जीरो होगा, और ऐसे जो आइडियल हैं वो दो होंगे, एक तो सिंगलटन जीरो और एक खुद फील्ड, ठीक है। तो जो टोटल आइडियल्स हैं वो एट हैं ना, ये टोटल आइडियल्स हो गए, ठीक है। अच्छा अब इसमें मैक्सिमल आइडियल्स कितने होंगे, तो वो हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं, ठीक है। चूँकि हर एक के पास तो एक ही होगा सिंगलटन जीरो, तो उस तरीके से क्या कितना बन सकता है, ठीक है। तो आप देखिए तरीका क्या है बनाने का, आप जो है, ठीक है, आइडियल्स निकालने, ठीक है, आइडियल्स आर आइडियल्स आर, ठीक है, मैं आइडियल्स निकाल रहा हूँ, ठीक है। I1 सबसे पहले I1 निकालते हैं अगर, तो जैसे देखिए जो आइडियल है वो जीरो है या तो फील्ड है, ठीक है। इसके लिए भी तो दोनों के सब के लिए दो दो चॉइसेस, चूँकि सारा फील्ड है तो या तो हम इसका जीरो लेंगे या हम इसका लेंगे G3, ठीक है। अच्छा इसी तरीके से हम इसका लेंगे या तो जीरो या तो क्या लेंगे आर, इसी तरीके से हम इसके लिए भी दो ही लेंगे, क्या क्या लेंगे, या तो जीरो लेंगे या तो G11 लेंगे, ठीक है। तो अब देखिए अगर हम तीनों का जीरो ले लें, तो जीरो लेंगे तो क्या बन जाएगा, जीरो जीरो जीरो, ये बन जाएगा, ठीक है, I2। तरीका ये है कि फर्स्ट टू को मैं जीरो ले रहा हूँ, ठीक है, और सेकेंड वाले से ले लेता हूँ, थर्ड वाले से G11, ठीक है, I3। तीसरा आइडियल क्या बन सकता है, तीसरा आइडियल इसके इसी का परमोटेशन कर लेते हैं, यानी फर्स्ट वाला का ले लेते हैं G3 और बाकी दो ठों को जीरो, ठीक है। फोर्थ क्या बन सकता है, फोर्थ आपका बन जाएगा आइडियल, ठीक है, फोर्थ
फर्स्ट को जीरो कर देता हूँ, सेकंड को आर ले लेता हूँ, ठीक है, और थर्ड वाले को भी जीरो, ठीक है, इसका परम्यूटेशन हो गया। अब चेंज करते हैं i5। देखिए मैंने तीनों जीरो लेकर के एक बना लिया, फिर दो जीरो लेकर के मैंने परम्यूटेशन कर लिया, ठीक है। अच्छा अब हम लोग ऐसा करते हैं कि तीन जीरो लेकर के सॉरी एक जीरो लेकर काम करते हैं। तो एक पहला वाले का जीरो ले लिया, दूसरे वाले का रियल ले लीजिए, और लास्ट वाले का G11, ठीक है। i6 के केस में हम लोग पहले वाले को ले लेते हैं G3, फिर जीरो और फिर G11। i7 में हम लोग ऐसा करते हैं, पहले वाले को G3, फिर R और लास्ट वाले को जीरो, ठीक है। इस तरीके से आपका जो सिंगल टन जीरो के साथ जो परम्यूटेशन है वो आपका यहाँ पे तैयार हो गया। और एक बनेगा वो है i8, जो कि इटसेल्फ होगा, जो हमको गिवेन है G3 R × G11, ठीक है। तो ये हम लोगों ने ले लिया। अब देखना है कि इसमें मैक्सिमल कौन कौन है। ये तो हमारे आइडियल्स हो गए, ठीक है, ये सारे क्या हैं, सारे आपके आइडियल्स हैं, ठीक है। इसमें मैक्सिमल कौन कौन होगा, तो हमको कौन सा कॉन्सेप्ट याद रखना है, आपको याद रखना है कि सबसेट जो होगा, ठीक है, किसी भी आइडियल, अगर कोई आइडियल आपके पास है तो उसका सबसेट कभी भी मैक्सिमल नहीं हो सकता, ठीक है। तब आप देखें यहाँ पे, ये जो है ये डेफिनेटली क्या है, सबसेट है आपका i2 का, ठीक है, ओके। i2 में कॉन्टेंट कर रहा है ये, i1 इज़ कॉन्टेंट इन i2, क्योंकि i2 को आप देख लीजिए, ठीक है, G11 के पास डेफिनेटली क्या है, 0 से लेकर के 10 तक का एलिमेंट होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपका गॉसियन इंटीजर में दिया हुआ है, तो गॉसियन इंटीजर में भी 0 इसके पास होता है, 0 एलिमेंट, ठीक है, तो ये इसका सबसेट है, तो ये तो आपका मैक्सिमल नहीं हो सकता। अच्छा i2 को अगर हम लोग देखें, तो देखिए i2 किसका सबसेट हो जाएगा, i2 डेफिनेटली आपका इसका सबसेट हो जाएगा, किसका, i5 का, ठीक है, क्योंकि पहला एलिमेंट 0 है, ठीक है, थर्ड एलिमेंट आपका G11 है। तो अगर हम लोग लिए हैं यहाँ पे भी 0, ठीक है, तो देखिए ये जो 0 है आपका, दो 0 आपने लिया हुआ है, तो फर्स्ट वाला 0 है, लास्ट वाला आपका G11 है, ठीक है, तो आप डेफिनेटली कह सकते हैं कि ये क्या हो जाएगा, ये आपका सबसेट हो जाएगा कहाँ से मैं ले लूँगा, यहाँ से, ठीक है, i5 का, क्लियर, ये भी सबसेट हो गया। अच्छा इसको आप देखिए, लास्ट वाले को, ये i3 को, तो i3 में आप देखेंगे तो i3 आपका डेफिनेटली किसका सबसेट हो जाएगा, तो आप इसको देख सकते हैं, ठीक है, 0 0 मैच कर रहा है, ठीक है, अच्छा ये इसका सबसेट तो नहीं होगा, इससे बड़ा लेना है मेरे को, तो आप इसको ले लें, i6 का सबसेट हो जाएगा ये, ठीक है। अच्छा i4 को आप देखें, i4 में 2 0 है, ओके, i4 में आपका 2 0 है, अच्छा तो ये 0 मैच कर जा रहा था, ये i5, अच्छा i5 का तो हम लोगों ने ले लिया ना, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। i2 देखिए, i2 i5 का सबसेट है, तो i4 जो है, ये जो i4 है मेरे पास, तो ये भी i5 का सबसेट है, कोई हर्ज नहीं है, ठीक है, एक ही आपका 2 का सबसेट भी हो सकता है। अच्छा i5 को देखें, i5 में सिंगलटन 0 है मेरे पास, ये R है, ये है आपका Z11, ठीक है, तो ये किसी का सबसेट बनेगा, तो बाकी जो बच गया है, ठीक है, या अगर हम ऊपर देखें तो ऊपर में ये किसी का सबसेट नहीं है, ठीक है, इट इज़ नॉट सबसेट ऑफ एनी ऑफ द आइडियल, तो ये आपका क्या होगा, ये आपका हो गया मैक्सिमल आइडियल, ठीक है, क्लियर, ये आपका डेफिनेटली मैक्सिमल आइडियल होगा, चूँकि हमको इसके बाद कोई आइडियल नहीं मिल रहा है जो इसके और i8 के बीच में है, चूँकि i8 क्या है, ये आप देख रहे हैं, ये आपका ट्रिवियल आइडियल है, ये आपका है ट्रिवियल आइडियल, ठीक है, ओके। तो हमको i5 के और i8 के बीच में कोई भी आइडियल नहीं मिलता है डायरेक्टली, मेरा i5 क्या है, i5 मेरा सबसेट है i8 का, ठीक है, और इसके बीच में कोई आइडियल नहीं है, ठीक है, जबकि ऊपर वाला सारा जो है, देखिए i8 का सबसेट है, लेकिन क्या है, हमको बीच में कोई ना कोई आइडियल मिल रहा है, जैसे i2, तो अब i2 को मैक्सिमल इसलिए नहीं कह सकते कि i2 फिर आपका i5 का आइडियल है, i5 का सबसेट है, ठीक है। अच्छा i5 को हम लोग कह देंगे अब, इसलिए कि यहाँ पे i5 मेरा क्लियर हो गया, ठीक है। अच्छा ये i6 का सबसेट है, तो ये i3 मेरा आइडियल नहीं है, हाँ i6 को जब हम देखेंगे तो i6 मेरा अब क्या है,
जो है वो आपका मैक्सिमल हो जाएगा। इसलिए कि अब आपका जो i6 है वो डायरेक्ट क्या है, i8 का ठीक है सबसेट है। i6 जो है आपका वो i8 का सबसेट है, क्लियर। ये भी अगर आप देखेंगे तो i4 आपका क्या है, i5 का, ठीक है i5 का भी आप कह सकते हैं, और इसको आप i7 भी ले सकते हैं, कोई हरज नहीं है, ठीक है, चूँकि दोनों से ये होल्ड कर जाएगा, तो i7 का भी ये कह सकते हैं कि सबसेट है। ओके अच्छा, तो i7 मेरा क्या हो जाएगा, ये मैक्सिमल हो जाएगा, क्योंकि अब जो है i7 और i8 के बीच में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। तो ये तीन आपका मैक्सिमल हो गया, 1 2 3, ठीक है, 3 मैक्सिमल आइडियल्स हो गए आपके, और बाकी जो है ना ये ऊपर वाले ये आपके क्या हैं, मैक्सिमल नहीं है, ठीक है, क्योंकि आप इसको देख रहे हैं ये i5 का है, ठीक है, हाँ, और i5 आपका मैक्सिमल है, तो ये आप यहाँ पे फिर से उस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके ये जो थे आपके i1 i2 i3 i4 आर नॉट मैक्सिमल, ये आपका मैक्सिमल आइडियल नहीं होगा, ठीक है, सिर्फ आपका i5 होगा, i6 होगा, i7 होगा। तो आई होप आप काफ़ी आसानी से ढूंढ पाएंगे, और ये तो मैक्सिमल होता नहीं है, जो चूँकि ये खुद जो आपको दिया हुआ रिंग है वो है, ठीक है, और ये ट्रिवियली आइडियल ज़रूर होगा, बट ये डेफिनेशन से मैक्सिमल नहीं हो सकता, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अच्छा अब आप देखें, कुछ और भी मैं बता देता हूँ आपको, इसे सपोज़ कीजिए आपके पास दो रिंग दिया हुआ है, उसका मैक्सिमल आइडियल फाइंड करना है, तो तरीका क्या है, ठीक है, एक मैं आपको रिजल्ट बता देता हूँ। यहाँ पे रिजल्ट क्या रिजल्ट है, ये है आपका फाइंडिंग मैक्सिमल आइडियल्स, मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ डायरेक्ट प्रोडक्ट ऑफ टू रिंग आर एंड एस, ठीक है, मतलब क्या, मतलब आपको फाइंड करना है, दैट इज मैक्सिमल आइडियल्स, मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ आर क्रॉस आर, आर क्रॉस एस, ठीक है। इसको निकालने का देखिए जो एक तरीका है, अच्छा तरीका है, वो ये ना कि आप एक बार आर को फिक्स कर लीजिए, और एक बार आप निकाल लीजिए मैक्सिमल ऑफ एस, ठीक है, एक तरी ऐसे एक निकाल लेंगे, और फिर आप क्या कीजिएगा कि आप मैक्सिमल ऑफ आर ले लीजिए और उसमें एस को क्रॉस करते जाइए, तो इस तरीके से आप इसका मैक्सिमल आइडियल फाइंड कर लेंगे, ठीक है। इसे मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, एग्जांपल, ठीक है, क्या है मैक्सिमल आइडियल्स ऑफ G5 × G6, इसका निकालना है, ठीक है। तो इसका तरीका क्या होगा, इसका तरीका ये होगा कि एक बार आप G5 को फिक्स कर लीजिए, तो G5 को फिक्स करेंगे तो क्या लिखेंगे, इनटू मैक्सिमल ऑफ G6, ठीक है। तो ये आपको क्या क्या मिलेगा, तो ये आपको देखिए जो मैक्सिमल ऑफ G6 है, तो इसका जो प्राइम फैक्टर है 6 का, ठीक है, वो क्या है, वो है 2 और 3, तो 6 = 2 × 3 होता है, तो एक इसका हो जाएगा मैक्सिमल आपका G3 और एक हो जाएगा आपका G2, ठीक है, ओके। तो यहाँ से जो आपको मिलने वाला है वो आपको मिल जाएगा, एक आपको मिल जाएगा G5 × ठीक है G6 है, ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे 2G6, क्लियर। अच्छा मतलब जनरेटेड जनरेटेड बाय 2, ओके, इसका मतलब ये होता है मैक्सिमल आइडियल ऑफ G6, तो इसका प्राइम फैक्टर 2 और 3 हो गया, तो जनरेटेड बाय 2 एंड 3, तो ये 2 हो जाएगा, जनरेटेड बाय 2, ठीक है, ये लिख सकते हैं आप, और यहाँ पे आप लगा दीजिएगा 3, 2G6 कर लीजिएगा और 2 3G6 कर लीजिएगा, ठीक है, तो ये आपका जनरेटेड बाय क्या हो जाएगा, 3, ओके। तो ये दो प्रिंसिपल आइडियल हमको मिलेगा, तो एक तो मिल जाएगा आपका जब क्रॉस करेंगे तो G5 × G6, ठीक है, और एक हमको मिल जाएगा क्या, G5 × 3G6, क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमको दो जो है आपका मैक्सिमल आइडियल मिल गया एक, ठीक है, अच्छा आप इसको काउंटिंग कर सकते हैं। अच्छा और क्या होगा, एंड अगर हम G5 का ले लें, ठीक है, G6 को फिक्स कर देते हैं, तो उससे क्या होगा, उससे आपका हो जाएगा मैक्सिमल ऑफ G5 निकाल लीजिए और G6 को आप फिक्स कर दीजिए,
तो जी फाइव का जो मैक्सिमल है, चूँकि ये क्या है आपका फील्ड है, ठीक है, ये प्राइम है, फाइव जो है आपका वो है प्राइम, ठीक है। तो प्राइम अगर है तो ये आपका फील्ड हो गया है ना, जी फाइव आपका फील्ड है, ठीक है। तो फील्ड में सिर्फ एक ही मैक्सिमल होता है, और वो कौन होता है, वो होता है सिंगलटन जीरो, ठीक है, सिंगलटन जीरो, ये हो गया मैक्सिमल। तो सिंगलटन जीरो इंटू जी सिक्स ये आ जाएगा, ठीक है। तो हमको यहाँ पे थ्री मैक्सिमल मिल रहे हैं, कितने मिल रहे हैं, थ्री मैक्सिमल आइडियल्स, थ्री मैक्सिमल आइडियल्स कौन कौन मिले। नंबर वन देखिए, जी फाइव इंटू टू जी सिक्स, नंबर टू जी फाइव इंटू थ्री जी सिक्स, और नंबर थ्री सिंगलटन जीरो इंटू जी सिक्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैक्सिमल आइडियल फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से मैं आपको एक होमवर्क दे देता हूँ कि आप खुद से फाइंड कीजिएगा, ठीक है, मैक्सिमल आइडियल किसके लिए, मैक्सिमल आइडियल्स, ठीक है, ऑफ जी ट्वेंटी और इंटू जी ट्वेल्व, ये आप फाइंड कीजिएगा, ठीक है, ओके। ये आप फाइंड करके देखिएगा, हाँ, बल्कि आप बहुत जल्दी फाइंड कर सकते हैं, है हाँ ना, आप फाइंड कर लीजिए मेरे वीडियो को पॉज करके। आई होप आपसे ये हो जाएगा जैसे मैंने ऊपर किया है। अगर आपको आंसर मिलाना है तो आप ऐसे मिला लें, इसका प्राइम फैक्टर हो जाएगा आपका एक तो टू और एक आपका फाइव, टू का स्क्वायर इंटू फाइव, इसका हो जाएगा आपका प्राइम फैक्टर क्या हो जाएगा, टू का स्क्वायर इंटू थ्री, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर के हिसाब से अगर हम लोग देखें तो इसमें जनरेटेड बाई टू, टू जी ट्वेंटी होगा, ठीक है, और एक आपका जनरेटेड बाई फाइव यानी 5G20, दो मैक्सिमल होंगे इसके, और इसके हो जाएंगे आपके जनरेटेड बाई टू यानी 2G12 और जनरेटेड बाई थ्री 3G12, ठीक है। अब आप क्या करेंगे इसको, आप पेयर वाइज मिला लीजिए, ठीक है। तो आप पेयर वाइज मिलाएंगे तो इसको इसको आप मिला सकते हैं, तो आपके पास हो जाएगा G20, ठीक है, ये और क्रॉस, अच्छा एक को पहले फिक्स रखना है, अगर इसको लेंगे तो इसको फिक्स रखिएगा, ठीक है। तो जी ट्वेल्व मैं इसको अभी ले रहा हूँ फर्स्ट वाले को, हाँ। तो नंबर टू क्या हो जाएगा, नंबर टू हो जाएगा आपका 5G20 इंटू जी ट्वेल्व, ये मैंने इससे ले लिया, ठीक है। अब मैं अगर इसको फिक्स रखूँ तो थर्ड मेरे को मिल जाएगा G20 इंटू 2G12, और फिर से इसको फिक्स रखेंगे तो इंटू 3G12, ठीक है। इस तरीके से आपको यहाँ पे फोर आइडियल्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप इस तरीके से आप आसानी के साथ किसी भी इस तरह का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया है उसका आप मैक्सिमल आइडियल फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर अच्छा लगा तो इसको शेयर कीजिए अपने दोस्तों से, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। और बस देखते जाइए, पढ़ते जाइए, जितना आप पढ़ते और देखते जाएंगे उतना आपके नॉलेज में इंक्रीमेंट होगा, उतना आपका नॉलेज इम्प्रूव होगा, ठीक है। और नॉलेज इज़ पावर, जितना आपके पास नॉलेज है उतना आपके पास पावर है, ठीक है, फिर वो आपको कॉन्फिडेंस देता है और आपको एग्ज़ाम में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।